हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल चैनल निशु एंड राची। मेरा नाम राची है और आज हम इस वीडियो में समझने वाले ब्लड ग्रुप्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं ब्लड क्या है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। हम सब जानते हैं हमारे बॉडी में एक फ्लूइड है पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में, जिसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, उसे हम कहते हैं ब्लड। ओके, अब ब्लड में हमें ये काफ़ी कुछ सुना हुआ है ना ऑलरेडी कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो ए होता है, कुछ लोगों का बी होता है, कुछ लोगों का ए बी होता है, कुछ लोगों का ओ होता है। ओके, और ऑल्सो वी हैव स्टडीड अबाउट प्लस माइनस, किसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, किसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। हमने ये सारा डिस्कशन ऑलरेडी अपने लाइफ में कभी ना कभी तो किया ही है। ओके, अब ब्लड ग्रुप्स क्या हो? सिर्फ ए बी ओ ग्रुपिंग और आर एच फैक्टर, जिसे हम प्लस माइनस दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुपिंग कहते हैं, क्या सिर्फ यही दो ब्लड ग्रुपिंग एग्जिस्ट करती है? नो, ब्लड ग्रुपिंग बहुत टाइप्स की होती है, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ दो टाइप की ब्लड ग्रुपिंग दे रखी है, दैट इज ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग एंड आर एच ग्रुपिंग। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग। सो ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग वॉज गिवन बाय कार्ल लैंडस्टीनर। ओके, इट वॉज गिवन बाय कार्ल लैंडस्टीनर। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के लिए हम किसे क्रेडिट देने वाले? कार्ल लैंडस्टीनर को। और इन्होंने 1900s में ही ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बता दिया था। ओके, इन्होंने उस वक्त इसे डिस्कवर कर लिया था। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किसके बेसिस पर है? वेदर द पर्सन इज हैविंग एंटीजन, नॉट वेदर बट कौन सा केमिकल पर्सन के ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट है। जैसे अगर हमारे ब्लड में जो आरबीसीज होते हैं, अगर उसमें ए एंटीजन प्रेजेंट है तो पर्सन का ब्लड ग्रुप हो जाता है ए। मतलब कौन सा एंटीजन ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट है, कौन सा एंटीजन आरबीसी में प्रेजेंट है, वही हमारा ब्लड ग्रुप होता है। ओके, सो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। कौन से है वो दो सरफेस एंटीजन? दैट इज ए एंड बी। What are antigens? Antigens are nothing but they are the chemicals that can induce immune response. क्योंकि immune response को induce कर सकता है। वैसे ही जैसे हमारे RBCs में क्या है? Antigen है। वैसे ही हमारे blood के plasma में antibodies होती है। Okay? और antibodies क्या होती है? Antibodies are proteins produced in response to antigen. एंटीजेंस के रेस्पॉन्स में जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं दैट आर नोन एज एंटीबॉडीज। ओके, सो प्लाज्मा, अलग अलग इंडिविजुअल्स के प्लाज्मा में क्या होंगे? दो नेचुरल एंटीबॉडीज हमें मिलेगी ही। ओके, गॉट इट। सो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। सो ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग को देखते हैं और ये जो चार्ट बना रखा है ब्लड ग्रुप्स और डोनर कंपैटिबिलिटी के बारे में, जैसे आपने सुना होगा कि ओ पॉजिटिव ब्लड है तो उसको ओ पॉजिटिव ब्लड ही दिया जाता है, राइट? ओ, ओके, या फिर ब्लड ग्रुप ए है अगर किसी पर्सन का तो उसको हम ब्लड ग्रुप बी नहीं दे सकते, उसको ब्लड ग्रुप ए ही देना पड़ेगा। तो ये क्या हम चेक करते हैं वेदर द ब्लड ग्रुप इज कंपैटिबल टू अदर ब्लड ग्रुप और नॉट, राइट? सो ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी कैसे हम समझेंगे? तो हम समझते हैं सबसे पहले ब्लड ग्रुप्स के, यहाँ पे ए बी ओ ब्लड ग्रुप में हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप आ रहे हैं। सो फर्स्ट इज ब्लड ग्रुप ए, फिर ब्लड ग्रुप बी है, देन ब्लड ग्रुप ए बी है, और फिर है ब्लड ग्रुप ओ। अब ये चीज़ समझिए कि जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें वही एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं ऑन देयर आर बी सीज। जैसे ये कोई आर बी सी होगा, दिस इज आर बी सी। अगर हम कह रहे हैं इसमें एंटीजन अगर ए है, इसका मतलब क्या हो गया कि ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए। अगर ये ब्लड ग्रुप ए है तो ब्लड इसमें एंटीजन कितना क्या प्रेजेंट हो गया? ए। इन केस ये बी होता तो एंटीजन हो जाता बी। ब्लड ग्रुप ए बी में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है? ए या फिर बी, दोनों, ए और बी दोनों। ओके, और ब्लड ग्रुप ओ में कौन से एंटीजन प्रेजेंट होते हैं? कोई भी नहीं, दैट्स वाई इट इज ओ, नील एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन आरबीसीज। ओके, अब एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा जो होंगे इनके जस्ट ऑपोजिट होने वाले हैं। जैसे अगर किसी के बॉडी में ब्लड ग्रुप ए है तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज प्रिपेयर होती है अगेंस्ट ब्लड ग्रुप बी। मतलब वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं होगा कि अगर उसमें ब्लड ग्रुप बी डाल दिया जाए।
सो आरबीसी अगर ए है, एंटीजन अगर ए है, तो उस पे एंटीबॉडीज क्या प्रेजेंट होने वाली है, एंटी बी। ब्लड ग्रुप अगर बी है, तो ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें क्या एंटीजन प्रेजेंट है, बी। सो बी विल नॉट लाइक ए, सो इट विल नॉट लाइक, सो इट इज एंटी ए। यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट हो गई, एंटी ए। अब अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसमें एंटीजन तो ए बी है और एंटीजन बी भी है, तो एंटीबॉडीज वो किसके अगेंस्ट बनाएगा, किसी के भी नहीं। दैट्स वाई प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होने वाली है। ओके, ब्लड ग्रुप ओ में क्या था, कोई भी एंटीजन नहीं था, तो एंटीबॉडीज वो किसके अगेंस्ट बनाने वाला है, इट विल फॉर्म एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए एंड बी बोथ। सो एंटी ए और एंटी बी दोनों होता है। अब समझिए इस पे कंपैटिबिलिटी कैसे समझने वाले हैं। जैसे ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन क्या हो गया, ए, तो हम किस किस का ब्लड दे सकते हैं, इसको सिर्फ क्या नहीं पसंद है, बी, एंटी बी हो गया, तो क्या क्या ब्लड ग्रुप हम दे सकते हैं डोनर का, क्या क्या ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, इट मे बी ए एंड इट मे बी ओ, दे विल एक्सेप्ट ए एंड ओ बोथ। क्यों, क्योंकि बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी ना, राइट, बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी, मतलब ए तो वो एक्सेप्ट करेगा ही, जिसका जो ब्लड ग्रुप है वो तो एक्सेप्ट हो ही रहा है, और साथ में ओ तो एक्सेप्ट हो गए। क्यों ओ एक्सेप्ट हो रहा है, क्योंकि ओ इसीलिए एक्सेप्ट हो रहा है क्योंकि उसके आरबीसीज में कोई भी एंटीजन नहीं है। ओके, दैट्स ऑल। अब ब्लड ग्रुप बी है, जो बी में क्या क्या हो जाएगा, डोनर्स ग्रुप क्या क्या हो जाएगा, बी 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 से भी एक्सेप्ट कर लेंगे ब्लड ग्रुप बी वाले, और ओ से। ब्लड ग्रुप ए, ए बी विल एक्सेप्ट फ्रॉम ए बी, ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ, और ब्लड ग्रुप ओ जो होंगे उनको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होगा, ब्लड ग्रुप ओ। अब हम इस डोनर्स कंपैटिबिलिटी चार्ट से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमेशा डोनर यहाँ पे ओ तो हो ही सकता है। दैट्स वाई ओ ग्रुप इंडिविजुअल्स आर नोन एज यूनिवर्सल डोनर्स। ओके, इन्हें यूनिवर्सल डोनर्स कहते हैं। ब्लड ग्रुप ए भी होते हैं, उन्हें कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, उन्हें कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। देख सकते हैं ब्लड ग्रुप ए बी को के लिए कौन कौन डोनर है, सारे ही ब्लड ग्रुप्स। ओके, ए बी भी दे सकता है, ए बी दे सकता है ब्लड, बी भी दे सकता है और ओ भी दे सकता है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज आर एच ग्रुप। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज आर एच ग्रुप। सबसे पहले ये समझिए आर एच ग्रुपिंग किसने दिया था। इट वॉज गिवन बाय अगेन कार्ल लैंडस्टीनर विथ, इट वॉज गिवन बाय कार्ल लैंडस्टीनर एंड ए एस वेनर। ओके, इन दोनों ने आर एच ग्रुपिंग दिया था। आर एच फैक्टर और या फिर आर एच एंटीजन भी हम कह सकते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ सर्फेस प्रोटीन विच इज प्रेजेंट ऑन दी आर बी सीज। ये भी आर बी सीज पे प्रेजेंट होता है। आर एच एंटीजन जो है इट इज प्रेजेंट अराउंड प्रेजेंट इन अराउंड 80% ऑफ ह्यूमन्स। ह्यूमन्स में 80% लोगों में आर एच ग्रुपिंग का आर एच फैक्टर प्रेजेंट होगा ही, होता ही है। ओके, अब वो इंडिविजुअल्स जिनमें आर एच एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे उन्हें कहेंगे आर एच पॉजिटिव, एंड दोज विदाउट आर एच एंटीजेंस आर रेफर्ड एज आर एच नेगेटिव। ओके, जिनमें आर एच फैक्टर प्रेजेंट है दे विल बी नोन एज आर एच पॉजिटिव ब्लड, और जिनमें आर एच एंटीजन एबसेंट है दे विल बी रेफर्ड एज आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ओके, इट इज इम्पॉर्टेंट टू मैच द आर एच ग्रुपिंग ग्रुप ऑल्सो अलॉन्ग विद द ए बी ओ ग्रुप्स बिफोर ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन के लिए हमने समझा कि डोनर कंपैटिबिलिटी चार्ट में देखा कि ब्लड ग्रुप ए को ब्लड ग्रुप ए वाला इंसान डोनेट कर सकता है और ब्लड ग्रुप ओ वाला डोनेट कर सकता है, हमने वो चार्ट पूरा समझा। ओके, पर आर एच ग्रुपिंग में जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला ब्लड फैक्टर जो हमें पता चल रहा है, ये भी चेक करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है ट्रांसफ्यूजन के पहले। ओके, ये ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर कोई पर्सन है विद आर एच नेगेटिव ब्लड, आर एच नेगेटिव ब्लड है, और अगर उसे आर एच पॉजिटिव दे दिया जाए, पॉजिटिव ब्लड दे दिया जाए, तो क्या करेगी उस पर्सन की बॉडी, क्या करेगी, इट विल स्टार्ट मेकिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट दी आर एच एंटीजन। जो आर एच एंटीजन जो पॉजिटिव ब्लड में था वो नेगेटिव वाले के ब्लड में आ गया, अब वो नेगेटिव वाले के ब्लड में जो एंटी एंटीजन आ गया है उसके अगेंस्ट जो आर एच नेगेटिव ब्लड वाली जो बॉडी थी वो क्या प्रिपेयर करने लगेगी, एंटीबॉडीज प्रिपेयर करने लगेगी।
इसीलिए देयरफॉर अ आरएच नेगेटिव पर्सन शुड ओनली बी गिवन आरएच नेगेटिव ब्लड। इसीलिए कहते हैं कि जो भी आरएच नेगेटिव पर्सन होता है उसे हमेशा ही आरएच नेगेटिव ब्लड ही दिया जाता है। और ऐसा में इनके ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव वाले को हमें ए नेगेटिव हम नहीं दे सकते हैं। जैसे किसी का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो हमें उसे पॉजिटिव नहीं देना है, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को मैच ना करेंगे। ट्रांसफ्यूशन के लिए एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को भी मैच करना है, साथ में हमें पॉजिटिव नेगेटिव का भी ध्यान रखना है। ये जो आरएच एंटीजन होता है इसको आरएच एंटीजन इसीलिए कहते हैं बिकॉज ये सिमिलर टू प्रेजेंट इन रीसस मंकी, या रीसस मंकी में आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसका आरएच से आरएच एंटीजन डिराइव हुआ है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो फिर आप डेफिनेटली लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आप हमें इंस्टा और यूट्यूब दोनों में ही फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं एंड यूट्यूब में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।